बयाना में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। सुबह एक सुनार की दुकान से चोर ने 39,000 नगद लेकर फरार हो गया। इस मामले को लेकर बयाना थाने में सूचना दी गई, जिसके बाद बयाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कई दिनों तक इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष है। आपको बता दें कि अत्यधिक बढ़ते अपराध से आम आदमी पूरी तरह भयभीत है, और तो और उन व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह से नगद रुपया लेकर भागना अपराधियों के हौसले को बुलंद करता है। एक लड़का आया, दुकान के अंदर घुसा और उसने जो डेस्क खोली उसमें से 39,000 रुपए लेकर भाग गया। किस चीज की दुकान थी? अपनी सोने चांदी की दुकान थी। आप लोग कहाँ थे उस टाइम? पिताजी लेटे हुए थे। अच्छा, 39,000 रुपए लेके भागे। 39,000 रुपए थे। पिताजी एकदम जगे, वो निकल के भागा। पानी पकड़ो पकड़ो जब तक तो बहुत तेजी से निकल गया। कितने बंदे थे? एक ही थे? एक अकेला था। एक मोटरसाइकिल आगे खड़ी थी, उस पर बैठ के वो दो जने निकले। आपने FIR कराई किस बारे में? FIR दर्ज कराने थाने में आए। बेमेतरा क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के तैयारी में मूर्तिकार अनेक प्रकार की मूर्ति बनाए हैं, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति निर्माण करने में 3 से 4 माह पूर्व से लगे हुए हैं। इस दौरान अनेक प्रकार के छोटे बड़े कलरदार मनमोहक मूर्ति बनाया गया है। क्षेत्र में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों से शुरू हो गई है। सभी गाँव में गणेश की स्थापना के लिए पंडाल तैयार है। आज पूरे विधि विधान एवं मंत्र उच्चारण के साथ जगह जगह गणपति विराजित होंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश उत्सव के दौरान काफी चहल पहल देखने को मिलती है। गणेश जी की स्थापना के बाद से लगभग गाँव में कुछ न कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो कि बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। बीजापुर जिले में लिपिक वर्ग अपनी वेतन विसंगति मांग को लेकर लिपिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। लिपिकों के हड़ताल पर जाने से सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया है। लोग धरना स्थल के आसपास अपने काम निकालने के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से कर्मचारियों ने काम करने से साफ मना कर दिया। शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, जनपद पंचायत, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी वेतन विसंगति को सुधारने की मांग को लेकर हड़ताल पर डट गए हैं। इस हड़ताल के कारण कई काम अटक गए हैं। लिपिकों ने अपनी अपनी आलमारी की चाबी कार्यालय प्रमुख को सौंपकर हड़ताल में शामिल हो गए। बाइक रैली के दौरान सभी विभाग के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रैली के बाद मुख्यमंत्री के नाम वेतन विसंगति मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। फिलहाल हड़ताली कर्मियों ने मांगों पर ध्यान नहीं देने पर आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हमारी मांगे राजस्थान सरकार की तर्ज पर लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में 1900 ग्रेड पे को 2400 ग्रेड पे को 2800 ग्रेड पे को 4200 का। यदि प्रशासन से आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं अभी, हड़ताल में डटे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक डटे रहेंगे। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकास खंड के माटवाड़ा से संचालित कन्या आश्रम की 8वीं कक्षा की छात्रा कुछ दिनों से मलेरिया से ग्रसित थी। एक दिन उपचार कराने के बाद बरदेला में छात्रा को उसके किसी रिश्तेदार के पास अधीक्षिका का पति छोड़कर आ गया, और जब बुखार से पीड़ित छात्रा चलने फिरने में असमर्थ हो गई तो उसके माता पिता को सुकमा जिले के गदीरास फोन कर बुलाया गया। छात्रा की माँ ने आकर बोलेरो वाहन बुकिंग कर गदीरास ले जाया गया। जिला अस्पताल सुकमा में उपचार शुरू किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया और वहां छात्रा की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर अधीक्षिका अपनी लापरवाही उजागर होने के भय से जिस दिन छात्रा की शव को लेकर अंतिम संस्कार की तैयारी में माता पिता शोक में डूबे हुए थे, उसी दौरान एक आवेदन छात्रा के पिता से जबरन लिखवाई, और जैसे ही वह आवेदन उसके हाथ लगी कमान से निकले तीर की तरह बीजापुर चली गई। असंवेदनशीलता दिखाते हुए उसने छात्रा के अंतिम संस्कार तक भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। कन्या आश्रम में एक छात्रा को भी अधीक्षिका और उसके पति के द्वारा धमका कर या झूठ बुलवाया जा रहा है कि कोई भी अधिकारी पूछे तो अधीक्षिका की अनुपस्थिति में आश्रम से भाग कर जाना बताना, अन्यथा आश्रम से निकाल दिए जाओगे। अधीक्षिका की माने तो मृतका छात्रा बीमार हालत में 4 दीवारी कूद कर भागी, और उस दौरान वे आश्रम के कार से दंतेवाड़ा गई थी। फिलहाल आश्रम का दफ्तर विजयपुर है, लेकिन मैडम दंतेवाड़ा गई थी। यह बात क्यों बोला गया यह स्वयं मैडम ही बता सकती हैं। नहीं, ये सरासर झूठ है। कब से बीमार थी छात्रा? वो तो दो दिन ही हुआ था बच्ची का। फर्स्ट दिन इलाज करवाए हम लोग, यानी टेस्ट कराने भैरमगढ़ ले गए, उसके बाद उसका मलेरिया निकला, तो यहाँ पे यानी 2 ही दिन हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद छात्रा भाग गई। भाग गई? मैं नहीं थी, आश्रम के कार्य से दंतेवाड़ा ही गई थी। मैं कांता प्रसाद व्याम गादीरास का निवासी हूँ, और मेरे बेटी कन्या आश्रम माटवाड़ा में पढ़ती थी, और ये कब से तबीयत खराब हुआ क्या हुआ उसका जानकारी मैडम मुझे नहीं दी। उनका जो हेड है
उनसे बात कीजिए बोल, तो मुझे तो बात करने के लिए बोली पर लेकिन मोबाइल नहीं दी, खुद बात की। बात करने के बाद तो मैं खेत तरफ थोड़ा घूमने वाला आदमी हूँ, खेती तरफ गया। उधर से आने के बाद बोलती है भैया लिखित में दो, मैं बोला लिखित में नहीं दूंगा, नहीं भैया दे बोले। तो उन्होंने एक खुद अपना रफ बनाई, बनाने के बाद रफ से अनुसार मुझे उतारने के लिए बोली और उसमें दस्तखत करने के लिए बोली। बस उसको उसमें क्या लिखा था, कैसा लिखा था, आपको कुछ समझ में आया ऐसा कुछ लिखने बोली तो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्यों बोले से मेरा दिमाग से स्थिर नहीं था और मेरे मतलब एकदम ऐसा था कि मैं क्या करूं कैसा करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जैसा लिखी उसको पढ़ पाया नहीं, कुछ नहीं, तरतराते हुए लिखित में मैं दे दिया। उसके बाद वो एक एप्लीकेशन मुझे देना था, वो एप्लीकेशन मुझे भी नहीं दी और खुद दस्तखत उस्तखत करवा के गवाह ले ली और चलते बनी। दो सूत्री मांग, वेतन विसंगति, चार स्तरीय पदोन्नति की मांग को लेकर लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ ने देश भर में हड़ताल कर रखी है। 450 कर्मचारी दंतेवाड़ा में भी 7 सितंबर से हड़ताल में डटे हुए हैं। जिले भर के दफ्तरों में कामकाज हफ्तों से प्रभावित हो गया है। पंडाल के नीचे कर्मचारी जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अग्रिम जानकारी मिल रही है कि शासन को ज्ञापन सौंपकर जेल भरो आंदोलन करेंगे कर्मचारी। दरअसल चुनावी साल में देश भर में हड़ताल की आवाज सरकार के खिलाफ बुलंद हो रही है। लिपिक कर्मचारी संघ ने भी पूरे राज्य में 32,000 कर्मचारी 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। वेतन विसंगति और चार स्तरीय पदोन्नति जैसे दो मांगे हैं। रैली निकालकर दंतेश्वरी के दर्शन को पहुंचे हड़ताली वहां से लौटकर शासन को ज्ञापन सौंपकर जेल भरो आंदोलन करने की तैयारी में है। प्रमुखता हमारी दो ही मांग है। सबसे पहला वेतन विसंगति हम दूर करने का हमारा प्रथम मांग है। हम राज्य सरकार की तर्ज पे हम 1900 से 2400 क्रमशः 2400 से 2800 और 2800 से 4200 रुपया ग्रेड पे का हम शासन से मांग कर रहे हैं। और दूसरा हमारा मांग है चार स्तरीय पदोन्नत वेतन मान का हम मांग कर रहे हैं शासन से। हमारी यही दो मांग। और ये हड़ताल कितने दिनों से हड़ताल यहाँ पर चल रही है? ये हड़ताल शानदार पांचवा दिन है। इससे पूर्व हम 6 चरणों का आंदोलन पूरा कर चुके हैं। 7वें चरण में हम ये अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम 7 तारीख से मंच पे हम बैठे हुए हैं। अभी साथ हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जेल भरो आंदोलन। इसमें हमने निर्णय लिया था कि यहाँ से रैली के रूप में हम माई जी के मंदिर जाएंगे और दर्शन करने के पश्चात हम पुनः मंच पे लौटेंगे और शासन को हमने ज्ञापन सौंपा है कि आज हमारा जेल भरो आंदोलन है। हमें शासन का निर्णय है कि हमको किस तरह से जेल में डाल दें। आम आदमी पार्टी ने घोषणाओं का शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर जारी किया है। शपथ पत्र में गाँव, गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों सहित हर वर्ग का हितैषी बताया गया है। जारी किए गए शपथ पत्र उस जिले के विधानसभाओं के अनुरूप अलग अलग बनाया गया है। बिजली का बिल हाफ, पानी का बिल माफ, शराबबंदी, मोहल्ला ग्राम क्लिनिक 2600 में धान, वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन 2500, नियमितीकरण, राज्य परिवहन एवं बहुत कुछ देश स्तरीय 11 और विधानसभा स्तरीय 13 बिंदुओं पर जारी किया गया है। जगदलपुर में आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर की सभी घोषित विधानसभाओं के लिए बनाए गए घोषणाओं के पृथक पृथक शपथ पत्रों को एक साथ बुधवार को पत्रकार वार्ता में जारी किया, जिसमें देश स्तरीय 11 और विधानसभा स्तरीय 13 बिंदुओं पर स्टाम्प पेपर में नोटरी किया हुआ शपथ पत्र जारी किया गया। आम आदमी पार्टी के सरकार बनने पर 415 रुपए प्रतिदिन के दर से दिया जाएगा। ये काम हमने दिल्ली में ऑलरेडी किया हुआ है। एक बहुत बड़ा मसला है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन। ये अभी 300 रुपये लगभग है छत्तीसगढ़ प्रदेश में और इसे बढ़ाकर 2500 रुपये हम करेंगे। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के घटक संगठनों द्वारा पंचायती समिति परिषद में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि सरकार एवं संगठन के मध्य 9 बार लिखित समझौते को लागू करने से नाराज विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा दिनांक 28 अगस्त से लगातार क्रमबद्ध चरणों से संपूर्ण देश में आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांगे कैडर स्ट्रेट पदोन्नति 3600 ग्रेड पे, विकास अधिकारी की पदोन्नति, RAS सेवा PEO से पदोन्नति, अतिरिक्त विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की पदोन्नति PEO पर अति शीघ्र करने की मांग सम्मिलित है। धरने में आरती गुप्ता विकास अधिकारी, सौदान सिंह अध्यक्ष पंचायत प्रसार अधिकारी,
उदय सिंह डागुर जिला मंत्री ग्राम विकास अधिकारी संघ, राजेंद्र सिंह ब्लॉक अध्यक्ष बीडीओ संघ, आमोद कुमार ब्लॉक मंत्री बीडीओ संघ आदि उपस्थित रहे। हम पंचायती राज सेवा परिषद के तीनों घटक संगठन आरडीएस, पीओ और बीडीओ द्वारा ये असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी बार बार सरकार द्वारा और संगठन और सरकार के बीच लिखित समझौतों को अब तक लागू नहीं करने से नाराज होकर हमने छठे चरण में अब आंदोलन 12 से लगातार क्रमिक धरना रहेगा जब तक हमारी सरकार मांगों को पूरी नहीं करती है। इसमें हमारी प्रमुख मांग है कैडर स्ट्रेंथ, यानी हरेक कैडर में पदोन्नति के अवसर प्रदान करना, जिसमें बीडीओ को आरएएस कैडर में और ग्राम विकास अधिकारी को पीओ और पीओ को अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत करना। ये पदोन्नति 5 वर्ष से लंबित चली आ रही है, इनको यदि नहीं भरा तो तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मैं जिला मंत्री ग्राम विकास अधिकारी संघ भरतपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इलाज ना करा पाने के चलते वृद्ध राकेश पुत्र नथुलाल बालाजी के मंदिर नदी के पास पाकड़ के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वृद्ध रमाशंकर अपने गुर्दों में इन्फेक्शन और असहनीय पीड़ा सहन न कर पाने के कारण उसने यह कदम उठाया, क्योंकि रमाशंकर के पास न तो इतना पैसा था न ही सोर्स था जो वह अपना इलाज करा पाता। आज रमाशंकर ने पहले तो देसी दारू खरीदी, फिर एक नई रस्सी खरीदी और फिर नदी के किनारे बैठकर दारू पीने के बाद अपने गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शाहजहांपुर में यह ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे रमाशंकरों ने अपना इलाज न करा पाने के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। रमाशंकर अपने पीछे 6 बच्चों को छोड़ गए हैं। जीवंत है गणपति बप्पा। दंतेवाड़ा से करीब 26 किलोमीटर दूर बैलाडीला के एक पर्वत शिखर को ढोलकल कहा जाता है। समुद्र तल से 2592 फीट ऊंचे इस पर्वत शिखर पर 3.5 फीट ऊंची दुर्लभ गणेश प्रतिमा है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रतिमा 1000 वर्ष पुरानी है, जिसे छिंदक नागवंशी राजाओं ने स्थापित करवाया था। दंतेवाड़ा के फरसपाल क्षेत्र में यह पौराणिक कथा प्रचलित है कि हजारों साल पहले ढोलकल ढोल के आकार का दिखने वाले पत्थर के ऊपर ही भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध हुआ था, जिसमें फरसा के वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। इस घटना को चिर स्थायी बनाने के लिए करीब 1000 साल पहले बस्तर के छिंदक नागवंशी राजाओं ने इस चट्टान पर गणेश प्रतिमा स्थापित कराई और पहाड़ के नीचे की बस्ती का नाम फरसपाल रखा गया।